Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360 and I'm your host Ahmed Hamad. न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल्स खेलने और उसके साथ साथ उन्होंने अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त क्रिकेट में चल रही हैं। न्यूजीलैंड के जिस तरह पिछले प्रोग्राम में बताया था कि 8 ऐसे प्लेयर्स हैं लेकिन वो अब 8 से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो IPL की उनकी जो कमिटमेंट है उसकी वजह से वो पाकिस्तान का टूर नहीं कर पाएंगे। तो जो 8 प्लेयर्स मैंने बताए थे उनके अलावा टिम सऊदी भी पाकिस्तान नहीं आ रहे और रॉस टेलर जिसको उन्होंने वर्ल्ड कप में भी नहीं शामिल किया क्योंकि वो चाह रहे हैं कि कोविड के प्रोटोकॉल्स की वजह से उनको बचा के रखे ताकि जब न्यूजीलैंड में उनकी होम सीरीज होने जा रही है जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट है उसमें वो अवेलेबल हों। इस वक्त उनका ये कहना है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि उनके पास बैकअप प्लेयर, उनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि वो तमाम फॉर्मेट्स में तमाम मुल्क में जाके परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ तक उनकी एक मिस जजमेंट मैं कहूँगा कि उन्होंने ये सोच के ये फैसला कर लिया कि इंग्लैंड में जाके जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड की दो टीम्स खेलती रही हैं तकरीबन, तो उसने वहाँ अच्छा परफॉर्म किया लेकिन इंग्लैंड की कंडीशन ऑलमोस्ट वेरी सेम टू द कंडीशन ऑफ न्यूजीलैंड। तो उन कंडीशंस का अगर हम मुकाबला करेंगे UAE में, सब कॉन्टिनेंट में, तो वो हेल ऑफ डिफरेंस है। अभी ऑस्ट्रेलिया को आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के अगेंस्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने खेली एंड दे हैव लॉस्ट बाय 4-1। और क्या हुआ कि लास्ट फिफ्थ एंड फाइनल T20 इंटरनेशनल जो कि ढाका में खेला गया उसमें ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम सिर्फ 62 रन पे आउट हो गई, देयर लोएस्ट एवर T20 इंटरनेशनल स्कोर। तो यहाँ की क्रिकेट टोटली डिफरेंट है, स्पिनर्स बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव होंगे बजाय इसके कि जो इंग्लिश कंडीशन में या न्यूजीलैंड की कंडीशन में बॉलर्स ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो टोटली डिफरेंट फॉर्मेट है, टोटली डिफरेंट कंडीशन है। और अब न्यूजीलैंड के जैसा मैंने कहा था कि टॉम लेथम या टिम सऊदी कैप्टनसी करेंगे फॉर द टूर ऑफ बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान, लेकिन अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि टिम सऊदी तो आ ही नहीं रहे हैं, रॉस टेलर भी न्यूजीलैंड में रहेंगे, तो टॉम लेथम जो है वो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की फॉर द ट्वेंटी टूर ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान उसमें न्यूजीलैंड की कैप्टनसी करेंगे। टीम क्या है, टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। टॉम लेथम, फिन एलन, टॉड एस्टल, हमेश बेनेट, टॉम ब्लंडन, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, मार्टिन गप्टिल, मैट हेनरी, डेरल मिचल, एजाज पटेल, ब्लेयर टिकनर, विल यंग, इश्त सोदी एंड मार्क चैपमैन। अब थोड़ा सा मैंने आपको रिकॉर्ड बताया था बिटवीन न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल, जिसका कि हमें पता है कि वनडे इंटरनेशनल में दोनों टीमों के दरमियान 107 वनडे इंटरनेशनल खेले जा चुके हैं जिनमें से पाकिस्तान ने 55 और न्यूजीलैंड ने 48 मैचेस जीते हैं। तो क्या पाकिस्तान अब जो 3 वनडे इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट द न्यूजीलैंडर्स 3-0 से जीतते हैं या कोई नेल बाइटिंग फिनिश होगा, सीरीज 2-1 होती है, किसका मार्जिन होता है, कौन सी टीम जीतती है? लेकिन जो भी टीम जीतेगी वो वैल्यूएबल पॉइंट्स गेन करेगी और उन पॉइंट्स का उसको फ़ायदा होगा फॉर द रैंकिंग एंड फॉर द वर्ल्ड लीग चैम्पियनशिप। और इसी तरह T20 इंटरनेशनल दोनों टीमों के दरमियान 24 मैचेस खेले गए जिनमें पाकिस्तान ने 14 और न्यूजीलैंड ने 10 जीते। और अब जो ये 5 मैचेस खेले जाएंगे पाकिस्तान की होम कंडीशन में हो रहे हैं, पाकिस्तान को ये बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए और अपनी कंडीशन का फ़ायदा उठाना। हम देखते हैं कि जब पाकिस्तानी टीम बाहर के ममालिक में जाती है तो वहाँ पे जो स्कोर लाइन होती है, जो मार्जिन होता है, लेट से अगर 3 मैच वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ है तो 2-1 एक मैच आप जीत जाते हैं या 5 मैच सीरीज़ है तो 4-1 जीत जाते हैं। तो हमें भी अपने मुल्क में तकरीबन इसी किस्म की, अगर 5-0 से हम जीते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और हमारे वो बैट्समैन जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके, जैसे हम कहेंगे मोहम्मद हफीज़, शोएब मकसूद, फ़खर जमान, इसके अलावा आज़म खान, ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में क्रीज को ऑक्यूपाई करते हैं और अगर ये यहाँ पे परफॉर्म ना करें और इतनी क्रूशल जो आपकी मिडल ऑर्डर बैटिंग है उसको अगर जो लोग ऑक्यूपाई करते हैं और मैच को फिनिश ना करें या एक सब्सटेंशियल टोटल जो है वो बोर्ड पर ना लगाएँ तो फिर बहुत सारे इशूज़ आ जाते हैं कि हम मैच किस तरह जीतें जबकि बड़ा टोटल ही नहीं होगा, तो बॉलर्स कहाँ पे कंट्रोल करेंगे, बॉलर्स कितना बड़ा टारगेट जो है वो सेव कर सकते हैं। बॉलर्स के लिए कंडीशन, ऑल दो UAE में हम खेल रहे हैं 10 साल से तो हमें पता है कि कंडीशन क्या है, वहाँ पे रिवर्स स्विंग होता है, बॉल थोड़ा नीचे रहेगा, तो बैट्समैन के लिए बहुत ईजी है बैटिंग करना। स्पिनर्स तंग करते हैं, हमने देखा कि सईद अजमल ने जितना अच्छा वहाँ पर क्रिकेट हुई, ये यासर शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और पाकिस्तान को आसानी से मैचेस जितवाते रहे। तो अब जो पाकिस्तान के पास स्पिनर्स हैं जिसमें शादाब खान हैं, अब्दुल कादिर के बेटे हैं कादिर,
और इनके अलावा ऑफ स्पिनर की अगर बात की जाए तो मोहम्मद हफीज़ हैं, जिन्होंने अभी वेस्ट इंडियन टूर पे एक ज़बरदस्त इकोनॉमिकल स्पेल किया, जिसमें 4 ओवर में 1 मिडियन और 6 रन देकर 1 विकेट हासिल की, मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी। उनके साथ साथ इमाद वसीम हैं, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं, लेग स्पिन तो कम करते हैं लेकिन उनका बॉल स्किट ज़्यादा करता है, फ्लोट ज़्यादा होता है और आर्म के साथ अंदर आता है, तो ज़्यादातर बैट्समैन अगर स्पिन के लिए खेलने जाएंगे तो वो डिसीव हो जाते हैं, क्योंकि सीधा बॉल आता है पैड्स पे लग जाता है और या फिर बोल्ड हो जाते हैं। और इसी तरह हमारे पास लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर की अगर बात करूँ तो मोहम्मद नवाज़ है, तो देखना पड़ेगा मोहम्मद नवाज़ और इमाद वसीम में से कौन सा प्लेयर पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेगा। फिर बात आ जाती है कि एक्स प्लेयर्स जो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि उनका ये फाइनल T20 टूर्नामेंट होगा, उसके बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, जिस तरह हफीज़ ने कहा कि इसके बाद रिटायर हो जाएंगे, इसी तरह शुएब मलिक भी कह चुके हैं। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सेलेक्टर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है अगेंस्ट दी न्यूजीलैंड, हम इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, देखेंगे कि उनकी फॉर्म क्या है, कितना अच्छा परफॉर्म करें। KPL इन दिनों में मुजफ्फराबाद में जारी है और उसमें भी परफॉर्मेंस देखी जा रही है कि कौन से प्लेयर इन फॉर्म है, कौन से बॉलर इन फॉर्म है। थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ, आज मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था स्टीव स्मिथ की, कि 4 ऐसे उन्होंने दुनिया के बॉलर शॉर्टलिस्ट किए हैं कि जिनको उन्हें लगता है कि वो इस वक्त बहुत अच्छे हैं और उनको खेलते हुए ट्रबल देते हैं, जिसमें नंबर 1 उन्होंने कहा है कि इंडिया के जसप्रीत बुमराह, फिर ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, और फिर उसके बाद इंग्लैंड के जिमी एंडरसन, ककीसो रबाडा। तो ये 4 बॉलर्स हैं जिनको वो टॉप रेट करते हैं कि ये जब इनको फेस करना पड़ता है तो काफ़ी मुश्किल होती है। ऑल्दो के पैट कमिंस को उन्होंने इतना नहीं फेस किया होगा, अगर ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक सर्किट में देखा हो तो और बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम में क्योंकि दोनों टीममेट्स हैं तो नेट में प्रैक्टिस करते होंगे अगेंस्ट ईच अदर, तो वहाँ पर उन्होंने डिफिकल्टीज फेस की होंगी फेसिंग पैट कमिंस। ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ अवर शो, टिल आवर नेक्स्ट प्रोग्राम, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.